अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी पकोड़े। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के पकोड़े बनते हैं। अगर आप ये वाला कटर यूज़ करेंगे ना तो बहुत बारीक सी कटिंग होती है पोटैटो की। तो मैं आलू और पालक के पकोड़े बना रही हूँ। और ये अभी मैं कह रही थी कि ये मेरा बाजू बिल्कुल नहीं चल रहा, मतलब हाथ इतना सा काम करते हुए भी थक जाते हैं। ये बारीक बारीक से इस कटर के साथ पोटैटो कट हो जाते हैं, लेकिन लेंथ में होते हैं, लेकिन बहुत मज़े के ये बनते हैं पकोड़े इसके साथ। तो अगर किसी को अब रमज़ान का आखिरी अशरा जा रहा है तो आप इसके साथ अगर कटिंग करके पकोड़े बनाएंगे तो चेक कीजिएगा, पकौड़ों का टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी ये कर रही हूँ, पकौड़ों का सामान बना रही हूँ। इसके अलावा आज मेरा इरादा है कि मैं समोसे भी बना लूँ साथ। और असल में इफ्तारी में बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन टाइम नहीं होता मेरे पास अब कि मैं वीडियो शूट करूँ। बहुत थोड़ा सा टाइम होता है, बिजी सी लाइफ है, स्कूल भी जाना होता है, फिर आके अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग सोशल मीडिया पे आप लोगों को नज़र आता है कि हम लोग हर चीज़ चमकती दमकती दिखाते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग हर वक्त एक्टिव रहें। कभी कभार जो हम बहुत एक्टिव से लोग होते हैं ना, वो भी कभी कभार उनकी भी बस हो जाती है। तो आज समझें कि मेरी भी बस हो गई है, तो हेल्पर नहीं आई अभी तक। मैंने कोई सफाई वगैरह नहीं की हुई, एज इट इज़ घर पड़ा हुआ है। मैं सिर्फ उठ के ना तो किचन का काम करने के लिए आ गई हूँ। पहले किचन साथ साथ समेटती रहती हूँ, आज किचन भी साथ साथ नहीं समेट रही। बस जल्दी जल्दी जो जो बनाना है बस वो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। साथ में मैंने वीडियोज़ ऑन की हुई हैं यूट्यूब पे। इस तरह से मैं वीडियोज़ लगा के अपने पास फ़ोन रख लेती हूँ और साथ साथ पे मैं काम करती रहती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं प्याज कट करने लगी हूँ जो कि मैं पकौड़ों में डालूँगी। तो मैं आपसे ये बात कर रही थी कि ज़रूरी नहीं होता कि इंसान हर वक्त एक्टिव रहे। अब आजकल जो है मैं बहुत ज़्यादा थकी होती हूँ और इतनी ज़्यादा एक्टिव भी नहीं हूँ। उसकी रीज़न ये है कि तो जी, इसकी जो बहुत बड़ी रीज़न है वो ये है कि रमज़ान में हमारे स्कूल्स जो हैं वो ऑन हैं। तो फिर सुबह रोज़ा रख के सहरी के बाद जब सोने की कोशिश करें तो टाइम नहीं होता सोने का। तो फिर हम लोग सहरी के टाइम पे भी नहीं सोते, फिर उसके बाद दौड़ते भागते स्कूल जाना, फिर स्कूल से वापस आना, तो फिर थक जाते हैं बहुत और रेस्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता। और फिर दोबारा से जैसे घर के सारे काम होते हैं वो सारे 3-4 बजे से पहले ख़त्म हो जाने चाहिए ताकि इफ्तारी का काम आगे स्टार्ट हो जाता है। तो फिर इस तरह से बस भाग दौड़ करते करते हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। जो वर्किंग लोग हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, वो तो बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। यहाँ पे मैं साथ साथ बर्तन साफ़ कर रही हूँ। पकौड़े में तलने के लिए डाल दिए थे ये यहाँ पे। अच्छा, मैं मैन्युअली पकौड़े हमेशा तलने के लिए डालती हूँ। आप जब भी चम्मच वगैरह से पकौड़े डालेंगे ना तो वो लड्डू से बन जाएंगे, वो अच्छे नहीं लगते। तो सेम टू सेम प्रोफेशनल वे जो है ना वो यही है कि आप अपने हाथ से पकौड़ों का जो बैटर है उसको अपने हाथ से आप कढ़ाई में डालें, तो वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में बनते हैं और वो लड्डू की तरह के भी नहीं बनते, बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे पकौड़े तकरीबन मैंने तल लिए हैं, एक जो है प्लेट भर के वो तल लिए हैं। अभी ये तल ली हूँ, इसके बाद भी हैं वो भी तल लूँगी। और इसके साथ मैं जल्दी जल्दी से बर्तन भी साफ़ कर रही हूँ। फिर अब मैं साथ में किचन भी क्लियर करना शुरू कर दूँगी। आप देख सकते हैं मेरा स्टोव कितना गंदा हुआ पड़ा है, क्योंकि आज कोई काम नहीं किया, ना ही मेरे में हिम्मत थी, बस ऐसे बुखार बुखार जैसी कैफियत थी। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं अफ्तारी का सारा काम ख़त्म करके फिर मैं आज किचन को ज़रा साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे ये पकौड़े माशाल्लाह माशाल्लाह से बन गए हैं, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के पकौड़े बनते हैं मेरे। अपने मुँह से तारीफ़ नहीं है, लेकिन हर किसी को बनाए हुए मेरे पकौड़े जो है ना वो पसंद आते हैं। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैं कैसे मैन्युअली इसमें पकौड़े ऐड करती हूँ अपने। ये देखें, ये बैटर लिया इस तरह से, ठीक है, ऐसे ऐसे इस तरह से। जब भी आप पकौड़े बनाएंगे ना, यकीन जाने पकौड़े बहुत मज़े के बनेंगे। और वो भी नहीं होगा कि सिर्फ वो लड्डू जैसे बन जाए, ऊपर वो आ जाए, सारा बेसन ऊपर आ जाए, तो बहुत टेस्टी पकौड़े इस तरह बनते हैं। तो आप भी बना के देखिएगा। और अगर आप पकौड़ों में अगर गोभी थोड़ी सी यूज़ कर लें तो और भी टेस्टी हो जाते हैं। आलू गोभी वाले पकौड़े बना लें, किसी दिन आलू पालक वाले पकौड़े बना लें। कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपने सिर्फ आलू ही के पकौड़े बनाने हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी
इसमें वैरायटी पैदा कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है ना, उस पर जब हम तजर्बा करेंगे तो वैरायटी पैदा हो जाएगी। इसके अलावा मैं लीमू पानी बनाती हूँ, अफ्तारी में स्क्वैश बनाती हूँ, लास्ट पे आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि मैंने क्या कुछ रेडी किया है। फ्रूट चाट तो हर सूरत में बनाई जाएगी। और यहाँ पे भी मैं फ्राइज तल रही हूँ। फ्राइज अनुषा के लिए और अहमद के लिए हैं, और क्योंकि इनको लगता है कि अफ्तारी मज़े की नहीं बनती, पकोड़े वगैरह ये नहीं खाते, तो मैंने आज चना चाट बनाई है, फ्रूट चाट बनाई है, और उसके साथ मैंने जी पकोड़े बना लिए हैं और फ्राइज